पीपल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके होने वाले जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं 1 दिसंबर से कॉन्स्टेबल का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला, राइट। अब कॉन्स्टेबल एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पूछा गया है करंट इवेंट्स के रिलेटेड, ठीक है, करंट इवेंट्स के रिलेटेड। अब जाहिर सी बात है इन करंट इवेंट्स को कवर करने के लिए आपको रीसेंट जितना भी करंट अफेयर है वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही रास्ते हैं, या तो आप पुरानी वीडियोस देखें या आप लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च करी है एक स्पेशल ई बुक, ठीक है। ये करंट अफेयर ई बुक है, इसमें जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जनवरी से लेकर लास्ट सितंबर मंथ तक का सारा करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में अपलोड कर दिया। तो जितने बच्चे जो कॉन्स्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको करंट अफेयर के रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो ये जो बुक है ना, ये जो ई बुक है, सॉरी बुक नहीं है, ये ई बुक है, ये पीडीएफ फॉर्म में आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। बाय द वे इसका जो प्राइस है वो तो 299 है, लेकिन अभी सिर्फ 99 में हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं दिवाली ऑफर पे आप लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते, वो लोग मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 और मैसेज में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है करंट अफेयर। क्या लिखना है? करंट अफेयर्स। तो जैसे आप करंट अफेयर्स लिखेंगे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, एंड देन उसके बाद आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए 2 रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव टू कनेक्ट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार विद द रेल नेटवर्क। मतलब रेल नेटवर्क के साथ कितने ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव करे गए हैं जिसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कनेक्ट की जाएंगी आंध्र, तेलंगाना और बिहार के अंदर इस पर्टिकुलर रेल प्रोजेक्ट या रेल नेटवर्क के अंदर। तो इसका जो आंसर दैट इज 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब कैबिनेट कमेटी जो बनी है, मतलब कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, जिसे हेड किया, मतलब चेयर किया, मतलब जो हेड ऑफ द कमेटी थे हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट करे हैं 2 रेलवे प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर विद अ टोटल एस्टिमेशन ऑफ 6,789 करोड़ रुपीज। और इस पर्टिकुलर रेल प्रोजेक्ट के अंदर 3 स्टेट्स की 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कनेक्ट करी जाएंगी, ठीक है। खैर आपको इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि 8 डिस्ट्रिक्ट जो है 3 स्टेट्स की वो कनेक्ट की जाएंगी इस पर्टिकुलर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अप्रूव करे हैं अभी रिसेंट कैबिनेट ने। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024। तो जो लीडरशिप समिट थी 2024 की, उसे किन्होंने होस्ट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने होस्ट करा है 2024 का लीडरशिप समिट, ठीक है। ये बेसिकली 2 दिन का कॉपरेटिव इवेंट था, बेसिकली कॉपरेट एकेडमिक इवेंट था, और जिसका अगर हम बात करें थीम क्या था, थीम वॉज नर्चरिंग यंग टैलेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया, बताइए हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। क्लियर है, रिसेंटली ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप का जो अवार्ड है वो, मतलब किसको सम्मानित करा गया उस अवार्ड के साथ, तो इसका जो आंसर है दैट इज उर्मिला चौधरी, ठीक है। उर्मिला चौधरी जो है ये कहाँ की है, ये नेपाल की है, और इनको ऑनर किया गया है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ कमिटमेंट टू रेशियल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब इनका जो काम था किसके ऊपर, रेशियल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उस काम के लिए ही इनको ये जो अवार्ड है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड वो दिया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। मैं आपको बता दूं कॉन्स्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूएनओ आपका अलग से टॉपिक है। तो आप बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई यूनाइटेड नेशन डे हर साल? तो आंसर है इसका 24 अक्टूबर को। कब किया जाता है? 24 अक्टूबर। और ये जो इस साल 2024 में 79th एनिवर्सरी जो थी वो मनाई गई यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि इस दिन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी। क्लियर है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो ये फोर्स में कब आया था, काम में कब आया था?
मतलब इसने अपना काम करना अकॉर्डिंग टू द आप लोग कह सकते हैं कि विद ऑल द स्टफ स्टार्ट करा था इन्होंने 24 अक्टूबर 1945 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया और 5 परमानेंट मेंबर्स जो थे सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने इसके बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब बनाया जाता है भाई? तो आंसर इज 24 अक्टूबर, कब बनाया जाता है 24 अक्टूबर, और इस साल 2024 में भी इसकी 51st एनिवर्सरी जो थी वो मनाई गई थी। अब इसका जो दिन मनाने का जो मेन मकसद है वो यही कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जागरूकता जो है वो फैलाई जाए, जितने भी मेजर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इसी के साथ साथ मतलब इंटरनेशनल कॉपरेशंस की को भी स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली अ न्यू जीनस, जीनस का मतलब होता है जाति, ऑफ जंपिंग स्पाइडर नेम्ड टेनकना वाज डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो कहाँ पे भाई ये नया जाति जो है वो मिली है स्पाइडर की? तो इसका जो आंसर है दैट इज सदर्न इंडिया में, ठीक है, साउथ वाले पार्ट में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए राजाजी टाइगर रिजर्व जो है न्यूज़ में देखने को मिले, बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कोरोवाई ट्राइब जो है वो प्राइमरी किस कंट्री में रिसाइड मतलब रहती है? तो दैट इज इंडोनेशिया, कहाँ पे रहती है? इंडोनेशिया में रहती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कहाँ पे ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो मतलब किस जगह पे ऑल इंडिया सिविल डिफेंस और होम गार्ड की जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज गांधीनगर में, कहाँ हुई थी? गांधीनगर में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मैं अगेन आपको बता दूं कि करंट अफेयर के रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने ई बुक जो है वो रेडी कर दी है जिसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू JKSS एग्जाम वो अपलोड कर दिया है, इंक्लूडिंग जैन के करंट अफेयर, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप लोग मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको क्या लिखना है? मैसेज में आपको लिखना है करंट अफेयर, क्या लिखना है? करंट अफेयर्स। तो जैसे आप करंट अफेयर्स लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखिए बाय बाय।